तस्दीक बेदबी मामले च सब तो पहला फैसला सामने आया तो तीन डेरा प्रेमियों नूं अदालत ने दोषी करार ठहराया। तो दस दिए कि दोषियों नूं 3 साल की सज़ा सुनाई गई है ते नाल दो डेरा प्रेमियों नूं इस मामले दे विच बरी भी किया गया। हालांकि जिहड़े तिने दोषी ने जिन्हां नूं सज़ा सुनाई गई है उन्हां नूं नाल 5-5 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। कोर्ट ने इस टोटल 5 बंदियां का चलान असी दिता सीगा जी, जिन्हां चों 3 नूं मेन दोषी उन्होंने करार दिता है ते 2 नूं बरी किया है। जिन्हां का पूरा रोल नहीं सीगा, उन्हां दा साइड रोल सीगा। एक ने जिहड़ा सतनाम सत्ता है उन्हें बुक प्रोवाइड की सी, जिहड़ी सेंची सीगी उन्हें दित्ती सी, ते जिहड़ा देविंदर हरिया वाला इहदी कार च लैके गए सी उह सेंची नूं, ते इहनां दा ज़्यादा दोष ना हुंदे होए करके बरी किया। ते 3 जिहड़े ने अमरदीप सिंह दीपा, मिठू सिंह मान ते अपना पृथ्वी सिंह पिरथी, ये 3 नूं 3-3 साल की सज़ा, 5-5 हज़ार रुपये जुर्माना, तो 120 च भी 3-3 साल की सज़ा। 2015 मोगा के पिंड मलके श्री गुरु ग्रंथ साहिब के जो छोटे सरूप ने उन्हां दी बेअदबी हुई सीगी, जिहड़े अंग सीगे वह खिलारे गए सीगे, तो उस तो बाद पुलिस ने मामला जरूर दर्ज किया सीगा गुरसेवक सिंह होरां दे बयानां ते। तो अज जिहड़ा एक वड्डा फैसला इन्हां जिन्नियां भी बेअदबियां हुई हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दियां उन्हां नूं मुख रखते हुए अज पहला फैसला इन्हां बेअदबियां नूं लैके मोगा कोर्ट में सुनाया गया है। 3 डेरा प्रेमियों 3-3 साल की सज़ा तो 5-5 हज़ार रुपये का जुर्माना, तो नाल दी नाल 120B के तहत भी जिहड़ा फैसला 3 साल की सज़ा सुनाई गई है। मुख गवाह जिहड़े ने जिन्हां दे बयानां ते परचा होया सीगा गुरसेवक सिंह मलके, उन्हां नाल गल कर लैंदे आ। किस तरह देखदे हो सर? वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह। जी जो अदालत ने फैसला सुनाया बहुत वधिया फैसला सुनाया जी, जो 295 ए बनती सी इन्नी की सज़ा बनती सी, 3 साल की सज़ा, 120 3 साल की सज़ा, तो 5 हज़ार जुर्माना उन्होंने दोषियों को 3 होया है, 2 दोषी बरी करते है अदालत ने। असी उहदी अपील पावांगे सैशन दे विच, पेंदे हुंदा हाई कोर्ट जावांगे, उन्होंने सज़ा भी दवावांगे। उन्होंने क्यों बरी किया गया सर? ये पता नहीं, अदालत को पता, ये बारे सानू कुछ नहीं पता गया। बंदे वैसे पंजी सी इनवॉल्व, पंजे सीगे, पंजे दा नौ सीगा, ते 2 बंदे अदालत ने बरी कर दित्ते गए। सर की कहना चाहोगे, तुसी की कहोगे? बहुत चिर तो लंबे समय तो जिहड़ा इह मामला चल रहा सी, जिहड़ा इह अज फैसला आया 295 इहदे मुताबक ही होना सीगा, जिहड़ी कानून दी धारा सज़ा तां उस मुताबक होनी सी। सब तो वड्डी गल इह आ वी जिहड़ा डेरा कहिंदा वी असीं तां इह काम ही नहीं कीते, उहदे ते अज कानून ने मोहर लाती है वी डेरा जिहड़ा सरसा इहदा बेरा जिहड़ा हैगा गुरु ग्रंथ साहिब दीआं बेअदबियां दे विच हाथ आ, उहो ही SIT है जिहने जाँच की है। SIT सरकार दी बनाई हुई ने, इस केस की भी जाँच की सी, ते अज जिहड़ा फैसला आया उहदी थाणी क्लीयर हो गया वी डेरा सरसा दोषी आ, ते उहदे वास्ते जिहड़ा हैगा वी हुण जिहड़ियां इन्हां नूं सुरक्षा दित्ती गई है डेरे नूं, डेरे दे जिहड़े हैगे आ जिहड़े दोषी आ जां बरी कीते जां पहलां वी इन्हां नूं 10-10 गनमैन तां पहलां ही दित्ते होए आ, इह वापस लए जाण इन्हां दी जगह जेल दे विच। असीं भगवंत मान की सरकार भी यह बेनती करते हैं भी इन्ह जे लोग आ इन्ह की जगह जेल के आने वाले समय के पंजाब का माहौल खराब करे, इन्हों जेल तुनिया जाए। जी गल क्लीयर हो गई आ, दोषी ये है, बाकी जे पंथक सरकार आ जी कहती सी असी बादल के कहें असी पंथक सरकार हाँ, सानू क्लीन चिट मिल गई इन्ह इन्ह बेअदबियों के केसा के उन्होंने जेड़े यही बंदे आ जेड़े इन्हों कंपेन करते रहे जेड़े अज दोषी गिरदाने गए आ, ये बादलकियां दीयां कंपेना चलाते रहे आ, तो उन्होंने क्लीन चिट कित्थों मिली मिलेगी? उन्होंने मूहरे पायलट गड्डियां जेड़ा डेरा सरसा सीगा उहदे जेड़े पंजाब वाले सीगे इन्हां नूं जेड़े सुखबीर बादल ने पायलट गड्डियां दित्तियां होईयां सी, जोरा सिंह हो गया, उन्होंने मूहरे चलदियां रहियां, तो वह किवें बरी हो जाएंगे? पंथ की कचहरी चो बरी नहीं हो सकते गे, चलो कानून मुताबक जे वह चली है जी अपनी जाँच हुई है वो मुताबक वह कहें, पर नहीं वो अजे जाँच अगे भी चल रही है। जिहड़ा ये फैसला जिहड़ा मलकियां वाला आया, दूजे 2 फैसले आ जिहड़े 3 अजे पेंडिंग पए आ, वो जो पेंडिंग फैसले वो कदों तक तुम्हें लगता है कि वो जांच, क्योंकि रिपोर्ट एक सौंपी है अजनला साहब होर और जो सिख आगू गए थे भगवंत मान साहब होर ने, कदों तक लगता है कि उन्होंने फैसला भी आऊगा? देखो जी रिपोर्ट आ, रिपोर्ट सिख आगुआ तो सौंपन का मसला ही कोई नहीं, सरकार ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਲਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੀਡੀਆ, ਮੋਗਾ।